स्वागत बंधन बच्चों, आज हम आरओ भाग दो कक्षा 12वीं के लिए जो हिंदी पाठ्य पुस्तक है इसके अंतर्गत पाठों को सम पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। जैसे कि बच्चों आप देख रहे हैं, मैंने आपको शुरू में समझाया था कि जो आपकी हिंदी की जो बुक है आरओ, उसमें दो खंड दिए हैं, एक काव्य खंड है और एक आपका गद्य खंड है, यानी पद्य खंड और गद्य खंड। इसमें आज हम गद्य खंड में सबसे पहले जो पढ़ेंगे वह है महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय और उनके द्वारा रचित भक्तिन पाठ को उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। ये है महादेवी वर्मा जी का, ये जो आपको चित्र में दिखाई दे रही हैं, इनके आज हम जीवन परिचय को पढ़ेंगे और समझेंगे। महादेवी वर्मा लेखिका परिचय, आज हम इनके परिचय को पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं जीवन परिचय। आधुनिक युग की मीरा के नाम से विख्यात और छायावाद के चार स्तंभों में से एक महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके माता पिता का नाम क्रमशः श्रीमती हेमरानी देवी और श्री गोविंद प्रसाद वर्मा था। इनके पिता भागलपुर में एक विद्यालय के प्रधान अध्यापक थे और इस प्रकार इनका लालन पालन एक शिक्षित परिवार में हुआ। इनका विवाह 9 वर्ष की आयु में नवाबगंज के डॉक्टर रूप नारायण वर्मा के साथ हुआ। इनके ससुर स्त्री शिक्षा के घोर विरोधी थे, इसलिए उनके देहांत के बाद ही इन्होंने पुनः अध्ययन प्रारंभ किया। उन्होंने अध्ययन में एमए संस्कृत की शिक्षा तक प्रथम श्रेणी से परीक्षाएं उत्तीर्ण की। विद्यार्थी जीवन से ही इनकी रचनाएं देश की प्रसिद्ध मासिक पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगी थी। वे कुछ समय तक मासिक पत्रिका चांद की संपादिका भी रही। इसके बाद में प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधान अध्यापिका भी रही। इन्हें सहश्रिया पुरस्कार, मंगला प्रसाद पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार सन 1983 ईस्वी में यामा के लिए दिया गया तथा उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का भारत भारती पुरस्कार भी मिला। इन्हें सन 1956 ईस्वी में पद्म भूषण की उपाधि से भी अलंकृत किया गया। ये उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य भी रही। सितंबर सन 1987 को इनका निधन हो गया। रचनाएं महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला है काव्य संग्रह, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध गीत, दीपशिखा, यामा आदि। निबंध संग्रह श्रृंखला की कड़ियां आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर आदि। संस्मरण और रेखाचित्र, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार आदि। आलोचना साहित्यकार की आस्था। साहित्यिक विशेषताएं, महादेवी वर्मा ने गद्य और पद्य दोनों प्रकार की रचनाएं लिखी। उनकी रचनाओं में आंतरिक वेदना और पीड़ा है। उन्होंने सामाजिक विषयों को भी अपनी रचनाओं में महत्व दिया। उन्होंने शोषित पीड़ित लोगों को अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज की बराबरी का स्थान दिलाने के लिए प्रयत्न किया। भाषा शैली पढ़ते हैं। महादेवी वर्मा का मुख्य वर्ण विषय प्रकृति चित्रण, अंतरंग मानवीय संवेदनाएं, करुणा और वेदना से परिपूर्ण। उन्होंने अपनी रचनाओं में कोमल सरस एवं माधुर्यमयी शब्दावली का प्रयोग किया है। उनकी रचनाएं संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली युक्त हैं। चित्रमयी भाषा, कोमल कांत सुमधुर शब्दावली, लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता आदि उनकी भाषा की प्रमुख विशेषताएं हैं। उनके काव्य में आत्माभिव्यक्ति, शब्द सौष्ठव, लयात्मक स्वर और भाव प्रवणत अद्वितीय हैं। चलिए, जैसे कि मैंने अभी आपको महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय के विषय में पढ़ाया समझाया, अब उनके द्वारा रचित जो भक्तिन पाठ है उसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। थोड़ा सा पाठ का परिचय पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ महादेवी वर्मा द्वारा रचित एक संरचनात्मक लेख है। लेखिका के घर में इस
प्रकार जो भक्ति पाठ है, प्रस्तुत पाठ महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित एक संस्मरणात्मक लेख है। लेखिका के घर में काम करने वाली एक सेविका की संघर्षपूर्ण कहानी है, जो परिस्थितिवश स्वभाव से अक्खड़ बनी। लेखिका ने ही उनके पहनावे के आधार पर भक्ति नाम दिया था। उसने संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत किया था, लेकिन स्वाभिमान और कर्मठतापूर्ण जीवन जिया। उसने अपनी बेटियों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, किंतु छदम भरे समाज के एक फैसले ने उसकी जीवन की दिशा ही बदल दी। अंत में उसने महादेवी जी के घर रहकर नौकरी की और महादेवी जी भी उसे किसी भी दशा में खोना नहीं चाहती थी। चलिए आइए पढ़ते हैं इसके आगे। जैसे कि बच्चों आप देख रहे हैं, गद्यखंड है भक्ति महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित। इसके पाठ के सार को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। जो आपके इसमें दिया है पाठ का सार, उसको हम पढ़ते हैं। भक्ति क्या है, तो इस लेख को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। भक्ति का व्यक्तित्व, जो भक्ति का कद कैसा था, छोटा था, वह कमजोर शरीर वाली थी। वह अपनी ग्रामीण भाषा में ही बात करती थी। उसकी सादगी और सरलता के कारण लेखिका भी प्रभावित हैं। भक्ति भी लेखिका के साथ लंबे समय तक रहना चाहती। वह सेविका भाव से परिपूर्ण है। उसका नाम लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी है, परंतु वह अपने नाम को विशालता के समृद्धि सूचक मानती है। इसी कारण वह लक्ष्मी नाम का उपयोग नहीं करना चाहती। इसी कारण लेखिका ने उसके गले में कंठी माला देखकर उसका नाम भक्तिन रख दिया। एक बार पुनः दोहराती हूं, इसी कारण लेखिका ने उसके गले में कंठी माला देखकर उसका नाम क्या रखा, भक्तिन रखा, भक्तिन रख दिया। बचपन और उसका विवाह, भक्तिन के जीवन की कहानी समझना कठिन, बहुत कठिन था। वह झूसी में गांव में प्रसिद्ध एक अहीर योद्धा की लड़की थी। उसके पिता ने अल्पायु में ही उसकी शादी हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक के लड़के से कर दी। किसके लड़के से, गोपालक के लड़के से कर दी। 9 वर्ष की अल्पायु, कितने वर्ष की, 9 वर्ष की अल्पायु में ही उसको उसे पति के घर भेज दिया। भक्तिन के पिता की मृत्यु, भक्तिन के पिता उससे बहुत प्यार करते थे। इसी कारण उसकी सौतेली माँ को भय था कि कहीं उसकी सारी संपत्ति उसके नाम ही ना कर दे। उनकी माँ कैसी थी, सौतेली, उनको क्या था, डर था कि कहीं सारी संपत्ति उसके नाम ही ना कर दे। इस कारण उसने उसके बीमार होने की सूचना नहीं दी। मृत्यु की सूचना उसकी सास ने नहीं बताई। उसने केवल इतना ही कहा कि वह अपने मायके में मिलकर आ जाए। क्या कहा, कि वह अपने कहां मिलकर आ जाए, मायके में मिलकर आ जाए। जब वह अपने कहां जाती है, मायके जाती है, तो उसके पिता की मृत्यु के बारे में उसको मालूम हुआ। पहले से उनको सूचना नहीं दी गई, किस कारण से, ताकि पूरी संपत्ति उसको ना दे दी जाए। तब उसने अपनी सौतेली माँ को खरी खोटी सुनाकर वापस कहाँ चली गई, ससुराल चली गई, बहुत सुनाया, और अपने पति को पिता की मृत्यु के बारे में बताया। किसको बताया, अपने पति को पिता की मृत्यु के बारे में बताया। फिर है भक्तिन की जिठानियों की ईर्ष्या भावना।
जब वह अपने ससुराल में रहे भक्ति की जेठानियों की ईर्ष्या भावना, जब अपने ससुराल में सबसे छोटी बहू थी, वह अपने ससुराल में सबसे छोटी बहू थी, उसकी कितनी 3 लड़कियां हुई, उसकी जेठानियों के काले लड़के थे, केवल लड़कियां ही होने के कारण वह सास और जेठानियों की उपेक्षा का क्या हुई शिकार हुई, और वह और उसकी लड़कियां घर का सारा कार्य करती थी, सारा कार्य वह और उसके घर की लड़कियां करती थी। उसकी जेठानियां और उनके लड़के बड़ी शान से रहते, खाने पीने में भी उसके साथ भेदभाव किया करते थे, हर चीज में उसके साथ भेदभाव किया जाता था। इतना होते हुए भी उसकी जेठानियां इस कारण और अधिक चिढ़ती थीं, क्योंकि उसका पति उससे बहुत प्यार देता था, पति अच्छा था, भक्तिन भी क्या थी, एक आदर्श पत्नी थी। जब उसका पति परिवार से अलग हुआ, भक्तिन ने भी बड़ी समझदारी से काम लिया। उन दोनों के परिश्रम होने के कारण जीवन में खुशी ही रही। इस प्रकार बच्चों, मैंने यहाँ पर आपको पाठ के कुछ सार पढ़ाया, आगे की क्लास में इसके आगे का और हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तब तक आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए और पढ़ करके समझ करके इसके कुछ पॉइंटों को, जैसे मैंने बीच बीच में आपको बताया, उसको आप नोट भी करते जाइए। धन्यवाद।